हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अपोलो डॉक्टर के डॉक्टर को दिखाने, लेकिन उसके पहले हम जा रहे हैं कहीं और। एक्चुअली हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे हम सर्विसिंग के लिए दिए थे, तो वही हम अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं। और ये मेरा भाई है, ये आया हुआ था घर में, वापस जा रहा था ऑफिस, तो हमने बोला हमें ड्रॉप कर दो वहाँ पर, तो ये हमें ड्रॉप कर रहा है। और यहाँ पर हम और मतलब मैं और मेरा बेटा बुग्गू दोनों बैठ के बोर हो रहे थे, तो हम दोनों ऐसी मस्ती कर रहे थे। और ये देखो यहाँ पर बिलिंग बिल होके आ गया, और बिल एक भी रुपए नहीं लगा। हम फ्री में अपना गाड़ी लेके गए क्योंकि वारंटी के अंदर था इसी वजह से। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, मैं टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ सैंपल देना था ब्लड टेस्ट का, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर बुग्गू भी बेचारा बड़ा परेशान हो गया था, यहाँ पर हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ पर हमारा टेस्ट हो गया, फिर डॉक्टर को दिखाने आए थे, डॉक्टर के लिए भी वेट कर रहे हैं, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। हेलो एवरीवन, तो हम सब हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं, और मतलब 3 दिन से हम पूरा परेशान हैं, हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता था। और फाइनली जाके काम हुआ, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। और अभी देखो हम इतने थक चुके हैं कि अद्दू सो चुका है, मैं उसको खिला उला के सुला दी। अभी शाम के 4 बज रहे होंगे, हस्बैंड भी सो गए हैं, अभी शाम को उठेंगे, तो फिर जो बाकी काम है, दूध वगैरह लाना, खाना बनाना, वो सब करना है। और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं हम सब मिलकर, और साथ में बच्चा भी है, तो बच्चा और ज़्यादा परेशान हो जाता है। हम तो फिर भी बड़े हैं, जब हम परेशान हो गए इतना, तो बच्चा तो और परेशान ही होगा। एक्चुअली फर्स्ट डे गए थे तो डॉक्टर की टाइमिंग हमें पता नहीं थी, और फिर उस दिन फिर वापस आना पड़ा था हमें। फिर सेकंड डे गए तो काम हुआ, लेकिन वापस आते टाइम एकदम हालत ख़राब, नहीं फर्स्ट डे ही गए थे ना, तो वापस आते टाइम गाड़ी ख़राब हो गई थी। मतलब वो पेट्रोल का मोटर में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको पूरा चेंज करना पड़ा। मतलब गाड़ी बीच रास्ते में एकदम, मतलब मेन जो रोड होता है वहाँ पर, 4 लेन का जो रोड होता है, वहीं पे बीच में ही गाड़ी बंद हो गई थी। और मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। फिर कैसे कैसे करके, इतना गर्मी, मतलब हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, ठंडी चली गई है, यहाँ पे ठंडी लगती ही नहीं है, तो यहाँ पे बारिश के टाइम में ज़्यादा ठंडी लगती है। तो वही मैं बता रही थी कि मतलब गाड़ी, एक तो गर्मी, ऊपर से हम सुबह से निकले हुए थे, 10 बजे से निकले हुए थे, और राउंड 12-1 बजे वापस आ रहे थे डॉक्टर का वेट करते करते। फिर लास्ट में पता चला कि डॉक्टर तो मतलब उस टाइम में नहीं रहती है, डॉक्टर बाद में आती है, तो हम सोचे कि नेक्स्ट डे कल आ जाएंगे, तो हम वापस आ गए, वापस आ ही रहे थे, तो बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। और फिर हमने जैसे तैसे करके मैकेनिक को बुलवाया, वो उन्होंने गाड़ी को धक्का लगा के एक जगह पे साइड में किया, वहीं पे पास में एक छोटा सा मैकेनिक का शॉप था, तो वहाँ पर फिर जाके पता चला, कितना कुछ ट्राई करने के बाद फिर पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है। फिर हमने सर्विस सेंटर में कॉल किया, तो वो लोग टो व्हीकल भेजने के लिए रेडी नहीं थे, बोल रहे थे कि अपना खुद का चार्जेस लगेगा, या फिर एक फ्री का कुछ है, तो उसमें कॉल करने से, रजिस्टर्ड करने से वो सारा प्रोसेस बहुत लंबा है, ऊपर से बच्चा लेके निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये सब हुआ, फिर मैं कैब करके वापस आ रही थी, कैब मैंने कर लिया था क्योंकि इसको नींद आ रहा था, और तब तक गाड़ी स्टार्ट हो गया। फिर मैं बोली कि आप लेके जाओ इसको सर्विस सेंटर में दे दो, उधर में यहाँ पर वेट करोगे, उससे अच्छा है कि आप सर्विस सेंटर लेके चले जाओ। और चाबी मैं लेके निकली नहीं थी, मैं कैब करके आ गई थी अद्दू को लेके, और चाबी मैं ली नहीं थी घर का। अब यहाँ पे मैं आके वेट की, वेट करते करते, ये तो अच्छा हुआ कि जो हमारे नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मतलब रहने के लिए पानी वानी, मतलब 1-2 घंटा के लिए रहने के लिए बोला, घर में इंसिस्ट किया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और पानी वानी, थोड़ा स्नैक्स भी दे दिया। मुझे तो नहीं चाहिए था, मतलब इसके लिए कि इसको नींद आ रही थी, तो इसको सोना था, और मैं सोची कि छत पे चली जाऊँ, छत पे आराम से लेकर आऊँगी, तो आंटी ने छत पे हमें देख लिया, और फिर बोली कि बैग लेके कहाँ से आ रही है, तो यही सब हुआ। फिर
उस दिन निकला, उस दिन भी पूरा टायर्ड हो गए थे। तो वो फर्स्ट डे था, सेकंड डे था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ही हम गए थे। तो उस दिन था कि डॉक्टर को गए दिखाएं, तो डॉक्टर ने कुछ कुछ बोला तो थोड़ा सा टेंस्ड हो गए थे। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह करना था, तो टेस्ट वगैरह करना था, तो उस दिन टेस्ट नहीं हुआ था। तो फिर हम नेक्स्ट डे हमें जाना पड़ा था, तो नेक्स्ट डे भी हम गए टेस्ट करने गए थे। वहीं पे अपोलो में ही टेस्ट हुआ था सारा, ब्लड टेस्ट और जो भी टेस्ट था। और फिर उसका रिपोर्ट लेकर गए, तो डॉक्टर बोले कि टेंशन का कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। और क्या बात है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। सो ये था हमारा पूरा दिन, तीन दिन हम लोग कंटिन्यू हॉस्पिटल का चक्कर लगाए हैं। और ऊपर से इनकी नाइट शिफ्ट चलती थी, तो इनको टाइम भी नहीं मिलता था, तो बेचारे सो भी नहीं पाते थे। ये कहो कि इनको छुट्टी मिल गई तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल गया, वीक ऑफ मिल गया तो उनको रिलीफ भी मिल गया, थोड़ा सा छुट्टी मिल गई। और हमें भी मतलब ऐसा होता ना कि हमारे चक्कर में ये भी नहीं सो पाते हैं, इनको भी आराम नहीं मिलता, ड्यूटी तो करना ही पड़ता है, घर में भी ड्यूटी करना पड़ता है बीवी बच्चों का। तो ये था हमारा तीन दिन का पूरा प्रोग्राम। मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड है ना, इतना ज़्यादा टायर्ड है, मैं तो खाना भी बना के गई थी। मतलब ऐसा था कि खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि बस जाके लेट जाएं। ये तो सो गया है, अब वो भी सो गया, वो उस रूम में सोए हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो। हम दोनों वहाँ बेटा इसको उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो यही है, अब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सर दर्द कर रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर लूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है। और हाँ, तो आज मेरा भाई आया हुआ था, तो वो कल ही आया हुआ था, तो मैं उसको हम बोले कि उसको ऑफिस जाना था उसी साइड में, तो हम उसके साथ चले गए थे सर्विस सेंटर जहाँ पे गाड़ी हमने दिया हुआ था। तो वहाँ पे वो बन के रेडी था, तो हमें बस पिक करना था। फर्स्ट डे हम कार से गए थे तो उसको सर्विस सेंटर में जमा दिए, फिर सेकंड डे हम स्कूटी से गए थे। स्कूटी से ये मेरे को फर्स्ट टाइम बिठाए हैं अद्दू के होने के बाद। स्कूटी पे नहीं घुमाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मतलब कभी गिर जाएंगे तो लग जाएगा ये वो, बहुत बहुत मेरे को लेके नहीं इसको लेके टेंस्ड रहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि इसको कितना मज़ा आया था स्कूटी में, मेरे को रिकॉर्ड करना था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी डर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम बैठा है तो गिर विर जाएगा या कुछ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और स्कूटी में वो ऐसा आवाज़ भी आता ना, गड़गड़ गड़गड़ हवा का आवाज़ आता है। तो कल हम स्कूटी से गए थे और स्कूटी से आए थे, तो उसमें 45 मिनट 50 मिनट लग गया जाने में, फिर आने में वैसे ही लगा। और ये डर डर के चला रहे थे, आस्ते आस्ते सेफली चला रहे थे। फिर आज हम भाई के साथ चले गए थे, फिर वो हमें वहाँ पे सर्विस सेंटर वहाँ ड्रॉप किया, फिर उसके बाद वो ऑफिस चला गया और हम अपना गाड़ी वहाँ से लेके फिर सीधा हॉस्पिटल चले गए। तो ये सब का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी कुछ टाइम से, तो इसीलिए मेरे में हिम्मत भी नहीं हो पा रहा था। अभी भी मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो मैं अपने लाइफ का एक अपडेट आप लोगों को दूंगी। कुछ टाइम रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाने दो, सब मतलब सारे टेस्ट का रिपोर्ट आ जाने दो, तब मैं देती हूँ। और तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अरे मेरा बेटा सोया, हम दोनों ने रेड रेड पहना है। यहाँ पे गर्मी आ गई है, देख लो ऊपर पंखा भी चल रहा है। एसी हमने लगवाया नहीं है क्योंकि अभी शिफ्टिंग पोस्टिंग का भी है ना चांसेस। पिछले साल तो आना ही था कंफर्म, लेकिन पिछले साल नहीं आया, लेकिन इस साल तो डेफिनेटली आ जाएगा। पता नहीं ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, मतलब CISF की और जो लेडीज़ हैं तो उनसे सुनने में आ रहा है कि मार्च तक तो पोस्टिंग का पता चल जाएगा कि किसका कहाँ पोस्टिंग आएगा किसका नहीं, तो इसलिए हमने लगवाया नहीं वहाँ पर। हम वहाँ से जब हम शिफ्ट हुए थे ना यहाँ पे क्वार्टर में, तो तो उस समय ठंडी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, तो हम बोले कि रहने देते हैं, किस लिए लगवाना है, फिर कब आ जाएगा पोस्टिंग, कोई ठीक नहीं है। तो फिर झूठ मूठ का पैसा अभी तो ऐसे चलेगा नहीं, झूठ मूठ का पैसा का वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो
इसीलिए क्या करे, सरकारी आदमी है, बचा बचा के चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने लगवाया नहीं अभी भी, वो पैक्ड ही है अभी, देखते हैं अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर लगवाना ही पड़ेगा। इतना मतलब हैदराबाद में, साउथ में तो गर्मी होती ही है, तो और ऊपर से हमारा टॉप फ्लोर है, हमें जहाँ जाते हैं हमें टॉप फ्लोर ही मिलता है। वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे भी टॉप फ्लोर मिला था, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी टॉप फ्लोर है, तो टॉप फ्लोर के चक्कर में एसी तो लगवाना ही पड़ेगा। देखते हैं अगर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो लगवा लेंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो लगवा लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लगवाएंगे, तब तक चलता है, चलने दो। तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि क्या कैसे क्यों 3 दिन हम हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो चलो देखते हैं शाम को क्या करना है, तब तक बाय। मैं थोड़ा सोने का कोशिश करती हूँ, आधे घंटे भी सो लूँगी ना तो मेरे को आराम मिल जाएगा। चलो टाटा बाय। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और यहाँ पर अद्दू के लिए छाछी बना रही हूँ, आटे और चीनी को घोल कर घी में सेक के बना रही हूँ, ये बहुत पसंद से खा लेते हैं। और मैं आज सोई ही नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आया, फिर तब तक जेठानी का फ़ोन आ गया तो मैं जेठानी से बात करने लगी, फिर उसके बाद अद्दू ही जग गया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं पिएंगे, और यहाँ पर मेरा बेटा देख लो क्या कर रहा है, सारा टाइम इसके लिए बस बदमाशी। यहाँ पर हम शाम के टाइम में पार्क में आए हुए थे क्योंकि अद्दू को थोड़ा खिलाना था, और ये कैंटीन से हमने इसके लिए डायपर और कुछ कुछ सामान लेना था और दूध लेना था, तो ये यहाँ पर हम लेकर रखे हैं। और अद्दू वहाँ पे खेल रहा अपने पापा के साथ, पापा इसके खिला रहे थे और सारे बच्चे भी खेल रहे थे। शाम के टाइम में अच्छा भी लगता है, और मंदिर के यहाँ पर मंदिर भी है तो मंदिर के ग्राउंड में और भी स्पेस रहता है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो वहाँ पे ये अगर जाता है तो ये पूरा दौड़ने लगता है, ऐसे भागता है, मेरे हाथ में आता ही नहीं है। और ये देखो यहाँ पर हम डिनर कर रहे थे और ये बॉल से खेल रहा है। तो ऐसे ही आज का हमारा पूरा दिन गया थके हारे। सो बाय बाय गाइस।